न्यूज इंडिया। जब आपको बता दें कि वाराणसी के सर्किट हाउस में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में महंगाई चरम पर है। वहीं डीजल, पेट्रोल और गैस, सरसों के तेल इत्यादि के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अपने वक्तव्य में ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि बीजेपी महंगाई को मुद्दा बनाकर जनता का वोट पाकर सत्ता में आई, लेकिन महंगाई कम करने में बीजेपी विफल रही या केवल पूंजीपतियों के ही साथ है और उन्हीं के साथ काम कर रही। जब तक यह सरकार रहेगी तब तक महंगाई रहेगी। महंगाई कम करने के लिए सरकार को हटाना जरूर पड़ेगा। आज किस तरह का बैठक रखा गया है? देखिए, आज प्रदेश में जो महंगाई चरम पे हो गई है, इस बात को लेकर के एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है, जिस मुद्दे को लेकर के बीजेपी जनता के बीच में गई और जनता ने वोट दिया, सरकार बनी कि महंगाई हम कम करेंगे। आज महंगाई कम करने के बजाय जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी मिलता था, आज वो सरसों का तेल 125 रुपया बिक रहा है। जो अरहर की दाल 60 रुपया मिलती थी, आज वो 150 के आसपास पहुंच गए। जो गैस सिलेंडर 400 का था, वो 800 को चला गया। आज जो पेट्रोल 60 रुपये का बिकता था, आज वो 100 में हो गया। जो डीजल मिलता था 62 रुपये में, आज वो डीजल आपके 82-83 रुपये में हो गया। तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। आइए, सरकार इधर इसका ध्यान नहीं है, इसका ध्यान पूंजीपतियों के साथ है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये महंगाई कैसे कम हो, इस पे हम लोग जनता से, आप लोगों के माध्यम से जनता को ये समझाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई से निजात पाना चाहते हो तो 30 रुपया 50 पैसा कच्चा तेल रिफाइन होकर भारत में आ रहा है। हमारे यहाँ डीजल 82 रुपया है, पेट्रोल 100। यही बगल में हमारे भारत से पेट्रोल और डीजल खरीद के नेपाल ले जा रहा है, श्रीलंका ले जा रहा है, वहाँ 56 रुपया पेट्रोल बिक रहा है, वहीं श्रीलंका में 54 रुपया बिक रहा है पेट्रोल। तो जब हमारे देश से वो खरीद रहा है तो उसकी ढुलाई और बढ़ी होगी, उसके यहाँ भी टैक्स लगा होगा, तो फिर हमारे देश में इतना महंगा क्यों? जब देश में कच्चा तेल सस्ता था, जब कोई लेने को तैयार नहीं था, तब भी ये रेट बढ़ाते रहे। तो ये महंगाई कैसे कंट्रोल हो, हम देश की जनता से कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि इस सरकार को तत्काल आने वाले दिनों में हटाना पड़ेगा। जब तक ये सरकार हटेगी नहीं तब तक महंगाई कम नहीं होगी। ये नारे के साथ जिस आते हैं, भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, भ्रष्टाचार चरम पे है, लाश गांव से श्मशान घाट जाती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा श्मशान घाट के, श्मशान घाट से लाश आ गई गांव में, पहली बात। ना गुंडा राज, गुंडा सुरक्षा कर्मियों को मार रहे हैं, कानपुर मारा आपने देखा, कई जगह सिपाहियों को बलि का बकरा बनना पड़ रहा है, बनारस में हो गया। मंत्री जी, पंचायत चुनाव को लेकर आपने कौन सी रणनीति बनाई है? भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, बाबू सिंह कुशवाहा, केशरा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, राजकुमार सैनी, ये 10 लोग मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एक पार्टी का कैंडिडेट होगा, 9 पार्टी हम लोग समर्थन करेंगे। ये पंचायत चुनाव की हमारी तैयारी है।